अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग विद रूबी में। आज हम बनाने जा रहे हैं वैनिला स्पॉन्ज केक। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कुकर लिया है जो बड़े मुँह का कुकर है, उसमें मैंने नमक डाल दिया है और एक स्टैंड इसको मैंने बीच में रख दिया है। आप चाहें तो स्टैंड की जगह एक कटोरी भी रख सकती हैं। हम ढक्कन बंद करते समय कुकर के रबर और सीटी दोनों निकाल देंगे। अब इसे हम ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब बैटर तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल में दो अंडे को लिया है जिसे हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। अंडे को हम जितना ज़्यादा बीट करेंगे हमारा केक उतना ही अच्छा और प्लफी बनेगा। अब हम इसमें पाउडर शुगर डालेंगे। हमने हाफ कप पाउडर शुगर लिया है और अच्छे से इसे बीट करेंगे। आप इसकी जगह हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम इसमें हाफ कप तेल डालेंगे, ये सोयाबीन ऑयल। आप कोई भी तेल लें जिसमें कोई स्मेल ना हो। देखिए हमने 5 मिनट इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। हमने 1.5 कप मैदा लिया है। हमने पहले ही इसे छान कर रखा था। अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे एक लम्स फ्री बैटर की तरह तैयार करना है। ये देखिए हमारा बैटर अभी गाढ़ा लग रहा है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को सही करेंगे। देखिए अब हम फिर थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें एक रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून वैनिला एसेंस डालेंगे। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट फ्लेवर भी डाल सकती हैं। वैनिला एसेंस डालने से हमने जो अंडा डाला है इसका स्मेल नहीं आता है। ये देखिए हमें इसी तरह का बैटर चाहिए। ये देखिए बिल्कुल रिबन की तरह ये गिर रहा है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जिसमें हमने डेट्स, किशमिश, काजू और बादाम लिए हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून मैदा डालेंगे और अच्छे से ड्राई फ्रूट्स में मिक्स करेंगे और इन सबको हम अपने बैटर में डालकर मिला देंगे। हमने ड्राई फ्रूट्स में मैदा इसलिए डालकर मिक्स किया है ताकि हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो जाकर नीचे बैठ ना जाए। अब हम एक बेक टिन में अच्छी तरह से घी से ग्रीस करेंगे। और अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इसे बीच में बटर पेपर लगा लीजिए, और अगर नहीं तो थोड़ा सा मैदा डालकर आप इसे अच्छे से चारों तरफ डस्टिंग कर लीजिए और बाकी मैदे को आप झाड़ कर निकाल दीजिए। देखिए हमने चारों तरफ मैदे से अच्छी तरह से कोटिंग कर लिया है और बाकी मैदे को हम झाड़ कर निकाल देंगे। अब हम अपने बैटर को
मोल्ड में डालेंगे। और ऊपर से भी हम थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग करेंगे। आप इसे 2-3 बार टैप कर लीजिए ताकि इसमें भरी हुई एयर निकल जाए। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हैं। अब हम इसे कुकर के अंदर डालेंगे जो 10 मिनट से प्री हीट हो रहा था, और इसे ढक्कन लगाकर 40 से 50 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमने फ्लेम को बिल्कुल लो में रखा है। चलिए अब 50 मिनट पूरा हो चुका है, कुकर का ढक्कन खोलकर देखते हैं। ये देखिए हमारा केक कितना अच्छे से राइज हुआ है। अब हम एक नाइफ डालकर इसमें देखेंगे। ये देखिए हमारा नाइफ बिल्कुल साफ निकला है, इसका मतलब है हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। चलिए अब हम इसे निकालते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए केक अच्छे से ठंडा हो चुका है, हम इसे नाइफ की सहायता से इसके चारों तरफ के एजेस को हटा देंगे और इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। एक दो बार अच्छे से टैप कर लीजिए। ये देखिए हमारा केक कितने अच्छे से प्लफी और सॉफ्ट बना है। चलिए अब हम इसे काट कर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।